सो हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आ गए हम एक और नए वीडियो के साथ में। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम इस टाइप का फोटो एडिट करने वाले हैं, तो भाई वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ यार सभी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। तो गाइस चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई वीडियो को एक लाइक करना और एक शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो ये देखिए हमारा फ़ोटो रहा अभी, तो भाई इनको तो बहुत लोग जानते होंगे ये कौन है, ठीक है। तो उनका फ़ोटो मुझे एडिट करने के लिए मिला था, ये वो खुद दिए थे, ठीक है। तो सबसे पहले चलो इनके फ़ोटो को शेयर कर लेते हैं अपने स्नैपसीड ऐप में। तो अभी हम इसको शेयर करते हैं अपने स्नैपसीड ऐप में, फिर जाएंगे टूल्स में, जाएंगे ट्यून इमेज, ओके ऊपर देखो ट्यून इमेज, इसको स्क्रॉल अप करेंगे। तो स्क्रॉल अप करेंगे तो जाएंगे एम्बियंस में, और एम्बियंस को भाई थोड़ा बढ़ा लेंगे, क्योंकि देखो मेरे फ़ोटो में सेचुरेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम बस एम्बियंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। याद रहे फ़ोटो में सेचुरेशन ज़्यादा हो तो एम्बियंस को कम ही रखेंगे। फिर जाएंगे टोनल कंट्रास्ट में, मीडियम टोन्स को कम कर लेंगे, ठीक है। फिर इसको रोल अप करेंगे, फिर आएंगे लो टोन्स पे, तो लो टोन्स को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। याद रहे अपने फोटो के हिसाब से अच्छे से आपको एडजस्ट कर लेना है, हाई टोन्स को भी थोड़ा सा कम कर लेना है, ठीक है। फिर जो प्रोटेक्ट है उसको भी भाई देख लीजिए कितना रखना है आपको अपने फ़ोटो के हिसाब से। मेरा फ़ोटो में सेचुरेशन ज़्यादा है तो मैं कम रख रहा हूँ, फ़ोटो में सेचुरेशन कम होगा तो ज़्यादा आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद से अभी अपने फ़ोटो को हम शेयर करते हैं अपने लाइट रूम ऐप में। अभी हमारा स्नैपशीट का काम हो चुका है, अभी फिर से हम वापस आएंगे स्नैपशीट में, बट थोड़ा सा चलते हैं लाइट रूम से लाइट रूम में चले थोड़ा सा कलर करना है, ठीक है। तो चलो अभी हमारा फ़ोटो यहाँ पे आया नहीं है, तो अभी फ़ोटो हमारा आ चुका है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो ओपन कर लेना है, फिर आपको जाना है लाइट्स में, देखो वहाँ साइड में लाइट्स हैं, ठीक है। तो लाइट्स पे आपको आ जाना है, इसको भाई नीचे आना है, ठीक है। तो जो एक्सपोजर है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करें, क्योंकि मेरे फ़ोटो ज़्यादा ब्लैक है, ठीक है। तो उसके बाद हम जो ये हाइलाइट्स है ये दे ध्यान रहे कम रखना है, ठीक है। उसके बाद जो वाइट है उसको भी कम रखना है, और भाई जो शैडो देखो जैसे आपको अपने फ़ोटो के हिसाब से अच्छे से रखना है ब्लैक्स को और शैडो को, ठीक है। इसको आपको अपने फ़ोटो के हिसाब से रखना है, अगर मेरे फ़ोटो के हिसाब से रखो तो क्या पता भाई आपके फ़ोटो में लाइट ज़्यादा हो तो बेकार हो जाए। तो आपको अपने फ़ोटो के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद से हम चले जाएंगे इफेक्ट में, तो चलो अभी आप इफेक्ट वाले ऑप्शन पे चलते हैं। तो आप देखो, ठीक है, टेक्सचर को हम थोड़ा सा डिक्रीज़ करने वाले हैं, क्योंकि मेरे फ़ोटो में टेक्सचर बहुत ज़्यादा है, तो मैंने उसको कर लिया है डिक्रीज़। आप देख लो आपके फ़ोटो में अगर कम होगा तो ही कीजिएगा, अगर भाई फ़ोटो अच्छे से पहले से एडजस्ट है तो आप लोग बिल्कुल भी इसको छेड़खानी मत कीजिएगा। तो इतना देख लो, उसके बाद से कलर पर जाएंगे, मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद से देखो येलो टोन लेंगे और भाई इसको कम कर देंगे पूरा। फिर हम जाएंगे ग्रीन पे, ग्रीन पे सेचुरेशन को और ह्यू को अपने फ़ोटो के हिसाब से रख लेना है। तो चलो मैं इसको एडजस्ट करके एक बार देख लेता हूँ, देखो मुझे इतना रखना था इसलिए मैंने इसको कम कर दिया येलो वाले को, ठीक है। अब थोड़ा देखो मेरे फेस में रेड रेड सा ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अभी हम इसको कम करके दिखाएंगे, क्योंकि भाई सबको वाइट टोन ही पसंद होता है, फोटो फेस पे वाइट होता है तो ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो अभी आप देखो जो मैं कम कर रहा हूँ सिंपली से आपको ऐसे ही अप्लाई कर लेना है। देखो अभी मेरा फेस वाइट होने लगा है, बिकॉज क्योंकि हमारा फेस ऑरेंज था, तो ऑरेंज वाले सेलेक्ट करके जो नीचे का है लुमिनियंस उसको भाई कम बेसी करेंगे, तो आपका फोटो जो फेस है वो भाई अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा कलर का भी काम खत्म हो चुका है, तो हम आ जाएंगे इस पर डिटेल्स पे, ठीक है। शार्पिंग को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे तो सभी ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, फिर रेडियस को थोड़ा सा इंक्रीज, डिटेल को कम करेंगे, मास्किंग को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो यार ये मैं जल्दी जल्दी बोल दूंगा बट आपको समझ में नहीं आएगा, इससे अच्छा आप खुद देख लो, ठीक है, स्क्रीन पे ही आपके सामने शो हो रहा है तो आप देख लो। उसके साथ ऑप्टिक्स पे इस रिमूव जो है उसको वही इनेबल कर देंगे। तो अभी हमारा लाइट रूम का भी काम हो चुका है ख़त्म, और फिर से चलते हैं कहाँ पता है ऑटोडेस्क में। तो चलो इसको शेयर करते हैं अपने ऑटोडेस्क ऐप में, क्योंकि भाई हमें फेस को भी तो स्मूथ करना है, तो हम थोड़ा सा फेस को ही स्मूथ करके आएंगे। तो कहाँ गया, चलो ढूंढते हैं हमारा ऑटोडेस्क ऐप। तो फिलहाल ये रहा मेरा ऑटोडेस्क ऐप, तो अभी ओपन हो रहा है, अभी थोड़ा सा लेट ले रहा है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। अभी हमारा ऑटोडेस्क ओपन हो रहा है, ठीक है। तो आपको फेस स्मूथ करने के लिए स्मज राउंड ब्रिटिश ब्रश को सिलेक्ट करना है, सेटिंग आप देख लो 3 बार रख लेना है, साइज आप कोई भी रख सकते हो अपने फेस के हिसाब से, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है आपको अपना ब्रश करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो जब तक ये ब्रश कर रहे हैं हम, तब तक मैं आपको भाई बोल दूँ कि यार बहुत लोग बोल रहे थे कि मैंने DM भाई के चैनल पे ये वीडियो देख लिया है, तो बट भाई उनके जो बैकग्राउंड है वो देखना वाइट से, और मैंने इसको भाई रेड करके दिखाया, ठीक है। तो भाई आप वो वीडियो और ये वीडियो बिल्कुल अलग है, भले फ़ोटो सेम है, क्योंकि यार हम लोग एक अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, तो अपने फ़ोटो शेयर कर लेते हैं। तो इसके लिए भाई ये मत कहना कि भाई उनका वीडियो उठा कर डाल दिया अपने चैनल पर, नहीं यार। तो भाई फ़ोटो के लिए भाई DM भाई को क्रेडिट जाता है, ऐसी बात नहीं है, बट उनका वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, ये वीडियो पूरा अलग है। आप चाहो तो जाके उनके चैनल पे भी चेकआउट कर सकते हो, वीडियो सेम नहीं है गाइस, ठीक है। तो अभी हमारा फेस देखो कितना अच्छे से स्मूथ हो चुका है, ठीक है। तो चलो अब इस यहाँ का भी अपना काम ख़त्म करते हैं, यहाँ से शेयर करते हैं।
तो गाइस मेरा फ़ोन थोड़ा लो है, लो एंड डिवाइस है, ठीक है, तो लोडिंग लेने में थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। तो अभी हमने स्नैपसीड ऐप में फिर से दोबारा से आ जाते हैं, फिर जाएंगे टूल्स पे। तो अभी आप देखो हमारे फ़ोटो में थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं सेचुरेशन ज़्यादा हो गया है, तो उसको हम कम करेंगे क्योंकि हमें वाइट टोन ज़्यादा पसंद है, फिर ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो मेरा फेस कितना वाइट टोन हो गया, बट मुझे बैकग्राउंड वही अच्छा लग रहा था, ठीक है। तो उसके लिए जाएंगे व्यू एडिट्स पे, ठीक है, उसके बाद से जो इस पर क्लिक करेंगे और बीच में जो पेंसिल है उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो अब आप क्या करना, अपने फेस से जो ये कलर है इसको सिंपली से इरेज कर लेंगे, तो बैकग्राउंड भी वही मिल जाएगा और जो फेस हमें वाइट किए हैं तो अभी वाइट वाला फेस भी मिल जाएगा। तो ये ट्रिक आपको मैंने एक वीडियो में अच्छे से बता दिया है, अगर आप लोगों ने वो भाई मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जाओ यार वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छे से मैंने भाई क्लियर किया है भाई स्नैपसीड के बारे में। और भाई एक वीडियो ऑटोडेस्क पे जो है मेरा सबसे ज़्यादा उसी पे व्यूज़ है, तो जाओ यार आप वो वाला वीडियो देखो तो ऑटोडेस्क आप पूरी जानकारी पा जाओगे, ठीक है। तो अभी इतना करके डन कर लेते हैं, तो चलो इसको भी हम डन कर लिए हैं। बस फिर से आएंगे टूल्स पे और जाएंगे सिलेक्टिव टूल, क्योंकि मुझे जहाँ ब्राइटनेस कम है उसका ब्राइटनेस भी तो इंक्रीज़ करना है, तो वहाँ सेलेक्ट करके क्या करना है ब्राइटनेस को भाई बढ़ा लेंगे। तो आपको जहाँ जहाँ ब्राइटनेस लग रहा है कि हाँ आपका ब्राइटनेस कम है तो आप वहाँ का ब्राइटनेस ऐसे करके इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ का भी हो चुका है हमारा काम खत्म, तो चलो इसको भी शेयर कर लेते हैं। तो शेयर कहाँ करना है, अपने पिक्सआर्ट ऐप में, तो सिंपली से आपको अपना पिक्सआर्ट ऐप ओपन करना है। तो चलो हम इसको भाई ओपन करते हैं, तो थोड़ा बहुत भाई यहाँ भी टाइम ले रहा है। तो सबसे पहले हम जाएंगे टूल्स पे, तो सिंपली आपको टूल पे क्लिक करना है और यहाँ देखो रिसाइज का ऑप्शन है, तो जहाँ 1367 है तो वहाँ आपको क्या करना है 2367, तो सिंपली से आपको यही से जो साइज़ है इसको रख लेंगे ताकि फ़ोटो की क्वालिटी कम ना हो। तो सबसे पहले हम जाएंगे ब्यूटी में, क्योंकि हमें अपने आई में लेंस लगाना है, जब तक लेंस नहीं लगाते तब तक फ़ोटो अच्छा नहीं लगता है, तो हम सबसे पहले लेंस लगाएंगे। तो लेंस लगाने के लिए आपको यहाँ कोई भी यही जो आई लेंस है उसको सिलेक्ट कर लेना है जो आपको अच्छा लगे, उसके बाद क्या करना है उसको छोटा करके अपने आई में अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, और जो भाई एक्स्ट्रा पार्ट है ऊपर इरेजर पे क्लिक करके उसको इरेज कर लेना है, जैसे मैं भी इरेज कर रहा हूँ। तो सिंपली से क्या करेंगे डन कर लेंगे, डन करने वाले सेकेंड वाले आई पे आ जाएंगे, तो भाई उस पर क्लिक करके क्या करेंगे उसको भी छोटा करेंगे। तो देखो मैंने इसको छोटा करके अच्छे से एडजस्ट कर लिया है, उसके बाद फिर इरेजर पर क्लिक करेंगे और भाई इसको भी इरेज कर देंगे। तभी आप देख सकते हो मेरे आई में जो लेंस है वो थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम चलो उसको भी सिचुएशन के हिसाब से अच्छा कर लेते हैं। तो फिलहाल अभी देख सकते हो मेरे आई में जो लेंस लगा वो भाई अच्छे सब दिख भी रहा है और अच्छा लग भी रहा है, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं उसमें डिटेल्स में, तो डिटेलिंग मेरे फोटो में अपने हेयर में डिटेल्स लाना है, तो क्या करना है डिटेल को जो अमाउंट है उसको पूरा 100 कर देंगे और अपने हेयर पे ब्रश करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यार हेयर में जो डिटेलिंग होता है ना वो थोड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे आप हेयर में अपने डिटेलिंग ला सकते हो, तो सिंपली क्या करना है ऐसे ही आपको अपने हेयर में ब्रश करना है, जैसे अभी फ़िलहाल मैं कर रहा हूँ, तो देखो कितना अच्छे से भाई डिटेल्स आ रहा है। अब ये मेरे आईब्रो पर भी आप देख सकते हो, तो अभी आप खुद देख सकते हो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो कितना अच्छा लग रहा है भाई डिटेल हेड कर देने पे। तो चलो हम यहाँ से भी इसको डन कर लेते हैं, तो डन करने बाद से आप थोड़ा सा चलो इसको बैक आ जाते हैं। तो फिलहाल हम बैक आ चुके हैं, उसके बाद हम जाएंगे ड्रॉ टूल में, तो ड्रॉ टूल देखो यहाँ पे मिल जाएगा आपको ड्रॉ टूल, उसके बाद सिंपली आपको एक लेयर लेना है। तो अभी आप देख सकते हो मेरे सामने खुद एक लेयर न्यू ऑलरेडी है, तो यहाँ से आपको क्या करना है कि जो रेड कलर है उसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें अपने आई में थोड़ा सा और ब्रश देख लो ये वाला ब्रश आपको लेना है। तो चलो भाई अपना आई रेड करके भी आपको दिखा देते हैं कि कैसे आई जो है उसको रेड किया जाता है। तो सिंपली आपको अपने आई में ऐसे ब्रश करना है, जैसे फिलहाल मैं अभी कर रहा हूँ, तो आपको ऐसे अपने पूरे आई में अच्छे से भाई ब्रश कर लेना है। तो आप देख सकते हो ये हमारा आई में रेड रेड सा हो गया, ठीक है। तो आपको सिंपली आपको ऐसे ही सेकेंड वाले आईज में भी आपको ऐसे ब्रश करके रेड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है लेयर पर जाना है, तो जहाँ नॉर लिखा है यानी वो नॉर्मल है, उसके बाद से आपको सभी चेक कर लेना है। देखो ऐड करता हूँ तो ये भी मुझे अच्छा लग रहा है, बट मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा। आप देखो अब मैं मुझे जो अच्छा लगा है मैं अभी करके दिखाऊंगा, बट मुझे आपको सबको दिखा दे रहा हूँ कि किससे किस तरह होता है। तो अभी स्क्रीन करते हैं, तो देखो ये भी मुझे अच्छा लग रहा है, बट भाई मैं इसको भी रखने वाला नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि किससे कैसा होता है। तो अभी आप स्क्रीन पर आप देख सकते हो कितना रेड रेड सा जैसे लग रहा है, ब्लड गिर रहा है। तो आप ओपेसिटी कम करके भी देख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वही रखना। फिलहाल मैं इसको नॉर्मल ही रखूँगा गाइस, क्योंकि मुझे नॉर्मल ज़्यादा पसंद है, इसको ओपेसिटी कम कर देने पर अच्छा लगता है। तो आप देखो डार्केन में तो अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बट मुझे उतना पसंद नहीं है। तो देखो अभी नॉर्मल है, ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा स्किप किया था, बट नॉर्मल अभी रख रहे हैं। तो चलो अभी हमारा यहाँ का भी काम हो चुका है ख़त्म, हमने इसको नॉर्मल रख के ओपेसिटी को कम कर दिया, तो सिंपली आपको ऐसे ही कर लेना है। उसके बाद हम एड फोटो में गाइस, थोड़ा सा हम इसमें PNGs लगाने वाले हैं, तो उसका भी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाओ वहाँ से PNG डाउनलोड कर लेना।
और भाई PNG डाउनलोड करके क्या करना है, अपने फ़ोटो में लगा लेना है। हाँ हाँ भाई बहुत तेज़ हो रहे हो, ठीक है। तो सिंपली से चलो भाई उसको अपने PNG को ला लेते हैं, तभी आप देख सकते हो जो हमारा टूटा हुआ दिल था वो आ चुका है, टूटा हुआ दिल, समझ रहे हो ना। तो ठीक है, तो उसके बाद हम इस पर एक लाइट लगाएंगे, जिसका भी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जाओ यार क्या करते हो, जाओ वेबसाइट पर मिल जाएगा, आई मीन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से आकर डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इसको ब्लेंडिंग पे जाना है, आई मीन ब्लेंड को उसको स्क्रीन कर देना है, तो आपको अपने हार्ट पे रख लेना है जो आपका टूटा हुआ दिल है उस पर, ठीक है। उसके बाद जाएंगे आपको एडजस्ट में, ठीक है। एडजस्ट में जाने के बाद आपको ह्यू में जाना है, और भाई इसका कलर चेंज कर देना है, कम बेसी करके देख लेना, जो आपको कलर अच्छा लगे उसको रख लेना। अभी आप देख सकते हो आपका टूटा हुआ दिल चमक रहा है, समझ रहे हो गाइस, ठीक है। तो सिंपली सब थोड़ा सा मैं एक और इसमें PNG ऐड करने वाले हैं, तो चलो भाई उसको ढूंढ लेते हैं। यार मेरे इतना फ़ोटो मुझे ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है, तो मैं सोच रहा हूँ किस दिन डिलीट कर दूँ, बट नहीं यार, अगर मैंने डिलीट किया दिया तो वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो इस जो टीयर्स हैं इसको मैं लगाता हूँ अपने आइस में। तो सिंपली क्या करना है, इसको जूम करके अच्छे से आपको लगाना है, जैसे मैं भी लगा रहा हूँ, तो ऐसे ही लगा लेना है आपको अपने। आप चाहो तो इसको कॉपी करके अपने सेकेंड आइस में भी लगा सकते हो, बट फिलहाल मैं अपने एक आइस में ही लगा रहा हूँ, आपके सामने देखो, ठीक है। तो ऐसे क्या करना है, आपको ऐसे लगा लेना है, और भाई ये आप स्नैपसीड में भी कर सकते हो, जो ब्लैक वाला है वहाँ से जाकर विगनेट को कम कर देना यार, ऑटोमेटिक हो जाएगा। बट मैंने यहाँ पे लगा के ये जो ब्लैक वाला है इसको लगा के दिखाया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका भी लिंक मिल जाएगा। अगर भाई नॉर्मली करना है तो आप जाओ स्नैपसीड में, विगनेट को कम कर दो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो गाइस वीडियो को एक लाइक करते जाइएगा, ठीक है। तो बाय बाय गाइस।